प्रदेश के बाढ़ और आपदा प्रभावित जिलों में प्रभारी मंत्री समीक्षा बैठक कर क्षति का आकलन कर रहे हैं। प्रदेश में 6 माह में 6 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्ति की ओर तेजी से अग्रसर। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के अधीन जमीन की अवैध खरीद बिक्री को रोकने के लिए सरकार कराएगी इसकी नापी। दूरदर्शन मना रहा है आज अपना 62वां स्थापना दिवस। नमस्कार, मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने जिले के प्रभारी मंत्रियों को बाढ़ से हुई क्षति का आकलन कर आवश्यक रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में सहरसा में श्रम संसाधन मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री जीवेश मिश्र ने कोसी बांध का निरीक्षण कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और किसानों से सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। श्री मिश्र ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ और आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा की। कल सभी माननीय विधायक सांसद जी के साथ, अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके जो विस्तृत रिपोर्ट है कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति, बाढ़ प्रभावित व्यक्ति या सुखाड़ से प्रभावित व्यक्ति इस आपदा में न छूटे, इसकी चिंता हम लोगों को मिलकर करनी है और इस निमित्त उन्होंने जिला में भेजा है और कल हम लोग बैठक करके इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। सीतामढ़ी जिले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री मोहम्मद जमा खान ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ और आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लिया। पथ निर्माण मंत्री सह पश्चिम चंपारण जिले के प्रभारी मंत्री नितिन नवीन ने जिले के कई बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मनवा पुल से रतवाली जो है सर, यही रोड यही रोड है सर, यही रोड आ रहा है। आपदा और किसानों की फसल क्षतिपूर्ति को लेकर बैठक थी और जिला प्रशासन ने जो आकलन किया और जनप्रतिनिधियों के आकलन को हम लोगों ने आज समीक्षा किया और उन सभी आकलनों पर करीब 98,000 एकड़ भूमि में फसल का नुकसान हुआ है, चाहे वो गन्ना हो चाहे धान हो, और इन सभी चीज़ों का आकलन करके उनको सही समय पर क्षतिपूर्ति मिले। वैशाली के महनार प्रखंड स्थित सरमस्तपुर पंचायत के वाजिद वाया नदी के पानी के दबाव से सड़क टूट जाने के कारण आसपास के कई बड़े गांवों में पानी फैल गया है। नदी के साथ बने बांध में भी दरार आ गई है। आसपास के 8 से 10 पंचायतों के डूबने की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री जयंत राज ने बताया कि बाढ़ से हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बाढ़ का, चूँकि इस बार वाहन नदी में ज़्यादा पानी आया है, आप लोग भी जानते होंगे कि वाहन नदी में कभी पानी उस तरह आता नहीं था, इस बार वाहन नदी में ज़्यादा पानी आया है, अतिवृष्टि हुई, जिसके कारण से बाढ़ में काफ़ी क्षति हुई है जो है, उसका एक आकलन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश हुआ था कि सभी प्रधानमंत्री मंत्री भी जाके एक बार आकलन कर ले। इसके पूर्व में 9 तारीख को बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, उसका पुनः ये एक बैठक हो रही है। हम लोग आकलन कर रहे हैं कि कितना क्षति हुआ है, इसको आगे हम लोग कैसे इस क्षति को कम कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश में 6 माह में 6 करोड़ टीकाकरण अभियान की लक्ष्य प्राप्ति के लिए तेजी से टीकाकरण का कार्य चल रहा है। कोविड पोर्टल के अनुसार राज्य में अब तक 4,59,49,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है।
राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान के तहत सरकार के साथ साथ संगठन के कार्यकर्ता भी गांव स्तर पर लोगों को टीका लेने के लिए जागरूक करेंगे। बनाए हैं कि सबको वैक्सीनेशन लगे और मैक्सिमम लोगों को उस दिन लग जाए, इस पर प्रक्रिया सरकार पहल कर रही है और पार्टी संगठन के द्वारा हम लोग सेवा के भावना से ये 17 सितंबर से लेकर के अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक यह कार्यक्रम चलेगा, उसमें बहुत सारे योजना को लागू किया गया है। उधर समस्तीपुर जिले में टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। जिले में अब तक 17,36,110 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए गए हैं। जिले के विभिन्न टीका केंद्रों पर बुजुर्ग, महिला और युवा टीका लेने पहुंच रहे हैं। लाभार्थियों ने सरकार द्वारा निःशुल्क कोरोना के टीके उपलब्ध कराए जाने के प्रति आभार जताया है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को समय पर कोरोना के टीके लेने चाहिए, इससे बचाव का वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। मेरा सेकेंड डोज क्लियर हो चुका है और सभी से यह, सभी नागरिकों से यह अपील हम करते हैं कि सभी को है ना कोरोना का जो भी वैक्सीन का दो डोज है जो सबको लेना चाहिए। प्रदेश के सभी जिलों में अवस्थित धार्मिक स्थलों के अधीन जमीन की अवैध खरीद बिक्री को रोकने के लिए सरकार इसकी नापी कराएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि ऐसी सभी जमीनों का आधुनिक ATS मशीन से नापी कराकर उसका डिजिटलीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान से वाद विवाद के मामलों में काफी कमी आएगी। निश्चित रूप से विभाग हमारा सक्रिय है अपने अपने जमीन को रक्षा सुरक्षा करने के लिए, देश की जनता और राज्य की जनता को कैसे लाभ मिले, मेरा विभाग काम कर रहा है। टोटल चीज पेपर ऑनलाइन मैं करवा रहा हूँ, टोटल डिजिटल करवा रहा हूँ। बहुत जल्द मठ की जमीन, मंदिर की जमीन, मस्जिद की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन, चाहे वो किसी सरकारी संस्थान के स्कूल हो, सबका जमाबंदी कायम होगा, सबका पोर्टल पे आएगा और सब लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बक्सर में गंगा नदी की सफाई के अभियान को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। गंगा स्वच्छता अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी सह नमामि गंगे के नोडल पदाधिकारी अमन समीर ने बताया कि जनता में गंगा की सफाई को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नमामि गंगे मिशन के तहत लगातार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। सर अपने सर हम एक पेंटिंग बना रहे हैं जिसमें जिसका थीम है नमामि गंगे। इसके थ्रू हम बताना चाहते हैं कि कैसे हम अपने गंगा जी साफ रखेंगे और कैसे हम अपने गंगा जी के सफाई के लिए क्या क्या वो उठा सकते हैं। हम संदेश दे रहे हैं कि गंगा नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। हम पेंटिंग बना है जैसे कि इधर की कचरा फैक्ट्री से गंदगी निकल रही है, उसको रोकने के लिए इधर स्वच्छ बनाया गया है ताकि गंगा नदी में कचरा ना फैले, गंदगी ना फैलाए। गंगा के सफाई के लिए और गंगा में जो अविरलता है उसको बरकरार रखने के लिए अभियान वो चलाया जा रहा है आज तक। और पुनः हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग गंगा के प्रति जो है वो सम्मान हम लोगों को रहना चाहिए, उसी से एग्जिस्टेंस हम लोगों का, तो हम लोग उसके बचाने के लिए और अवेयरनेस काम करने के लिए हम लोग करते रहे। पटना हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 8 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट के आदेश में हड़ताल के दौरान 200 सफाई कर्मियों पर किए गए कार्रवाई के आदेश को वापस लेना भी शामिल है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सफाईकर्मी काम पर लौट गए हैं और रात से ही कूड़े का उठाव शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताजा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे यूट्यूब चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। 15 सितंबर 1959 को सार्वजनिक प्रसारण के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई। दूरदर्शन आज अपने 62 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। एक रिपोर्ट। शुरुआत हुई दिल्ली में एक छोटे से ट्रांसमीटर के माध्यम से इसका पहला प्रसारण किया गया। उन दिनों दूरदर्शन का प्रसारण नियमित रूप से नहीं हुआ करता था, लेकिन 15 अगस्त 1965 से 5 मिनट के नियमित न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हुई। दूरदर्शन की पहली न्यूज रीडर बनने का गौरव प्रतिमा पुरी को हासिल हुआ।
1967 से कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत हुई, जिसके द्वारा दूरदर्शन देश में हरित क्रांति का सूत्रधार बना। 1975 में दूरदर्शन का प्रसारण मुंबई एवं अमृतसर से भी शुरू किया गया। 1975 तक दूरदर्शन सिर्फ 7 शहरों तक ही सीमित था। 1 अप्रैल 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग किया गया। इसी बीच 1982 में भारत में रंगीन टेलीविजन का आगाज हुआ। एशियन गेम्स, हम लोग पुलाव बिकते ना इसके तो करोड़पति बन जाता, ये कभी का विशेषक था। और बुनियाद जैसे धारावाहिकों की वजह से दूरदर्शन की पहुंच आम जनमानस तक हुई। 1987 में प्रसारित रामायण और 1989 में प्रसारित महाभारत ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया और तब से दूरदर्शन का प्रसारण इसके अंतर्गत किया जा रहा है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष आज शाम 6 बजे संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने पाक प्रशिक्षित 2 आतंकियों सहित 6 आतंकवादियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने पाक प्रशिक्षित 2 आतंकियों सहित 6 आतंकवादियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। भारत रत्न विश्वेश्वरैया की आज जयंती है। उनकी जयंती को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में समूचे इंजीनियर समुदाय को बधाई दी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है। दरभंगा से सबसे अधिक 2 मामले सामने आए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशी अपने घरों और वाहनों में झंडा और बैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों को पंचायत चुनाव से मुक्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आयोग से किया था अनुरोध। पटना सिटी में पटना साहिब ओवरब्रिज के पास आज सुबह एक फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील पदार्थ में भीषण आग लग गई। अग्निशमन दस्ते ने काफी मुश्किल से आग पर काबू पा लिया। निगरानी विभाग ने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता कौंतेय कुमार के पटना स्थित आवास पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकदी और आभूषण जब्त की। पटना में आज एलएन मिश्र प्रबंधन संस्थान के छात्रों ने परीक्षा में विलंब होने सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश के बाढ़ और आपदा प्रभावित जिलों में प्रभारी मंत्री समीक्षा बैठक कर क्षति का आकलन कर रहे हैं। प्रदेश 6 माह में 6 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्ति की ओर तेजी से अग्रसर। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के अधीन जमीन की अवैध खरीद बिक्री को रोकने के लिए सरकार कराएगी इसकी नापी। और दूरदर्शन मना रहा है आज अपना 62वां स्थापना दिवस। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सबों से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।